उत्तराखंड में सिलखियारा सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिकों के सफल बचाव के बाद देश भर में इस वक्त खुशी का माहौल है। श्रमिकों के गांव में कल से ही जश्न मनाया जा रहा है और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें मिल रही हैं सीएम आवास से। दिवाली के दिन ही यह हादसा हुआ और तब से श्रमिक टनल में फंसे हुए थे। श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उनके सुरक्षित बाहर आने की खुशी में देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर इगास बग्वाल इस वक्त मनाया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद इन 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया। लगातार पुष्कर सिंह धामी स्पॉट पर बने हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी इसका जायजा ले रहे थे। अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देहरादून में सीएम आवास पर ये जश्न मनाया जा रहा है। इन 41 मजदूर और साथ में उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब रेस्क्यू करके इन 41 मजदूरों को उस टनल से बाहर निकाला गया। पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करते हुए नजर आए। फूलों की मालाएं उन्हें पहनाई गई और आज भी पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल का दौरा किया जहां ये 41 मजदूर एडमिट थे। एक एक लाख का चेक उन्हें सौंपा गया और ये श्रमिक जिनके लिए पूरी देश में दुआएं पढ़ी जा रही थी, ये श्रमिक अब बाहर हैं टनल से। उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें मिल रही हैं देहरादून से जहाँ सीएम आवास पर जश्न का माहौल इस वक्त मनाया जा रहा है। मजदूरों के बाहर आने के बाद ये जश्न का माहौल इस वक्त देहरादून में मनाया जा रहा है। सीएम आवास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां मजदूरों के परिवार वालों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब 41 मजदूरों को सकुशल काफ़ी मशक्कत के बाद टनल से बाहर निकाला गया। खुद पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया टनल के बाहर खड़े होकर और फिर उनके बाद कई सारी व्यवस्थाएँ की गई ताकि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हों। इसका जायजा लेने के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ऋषिकेश एम्स में भी उनका इलाज करवाया जाएगा ताकि सही तरीके से यह आंका जा सके कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल ना हो और ना ही भविष्य में हो। मजदूरों के परिवार के साथ इस वक्त सीएम आवास पर जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि ये जश्न का माहौल इसलिए क्योंकि 41 मजदूरों ने कुल 17 दिन काफी मशक्कत के साथ अपना वक्त बिताया, गुजारा उस टनल के अंदर और कई मशीनरी के इस्तेमाल से टनल के मलबे को हटाया गया। रैट माइनर्स की भी मदद ली गई और कड़ी मशक्कत के बाद 17 दिनों बाद ये 41 हमारे मजदूर टनल से बाहर आ गए। मजदूर भाई जो हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे और टनल बनाते समय इस कतार से सुरंग में फंस गए थे, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी था और एक लंबा रेस्क्यू अभियान लगभग 16-17 दिनों तक लगातार चला है। और इस दौरान जहाँ दिवाली के दिन से ये प्रारंभ हुआ, दिवाली के दिन से उनको निकालने का और सूचना मिली, उसके बाद दिवाली आई, दिवाली के बाद भैया बोली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा और इसी बीच में इगास जो हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है और इस लोक पर्व पर हमने पिछले वर्ष से पूरे प्रदेश का अवकाश भी घोषित किया, बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी हम लोग मनाने की योजना, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई ऐसे में जहाँ हमारे 41 भाई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय में किसी भी प्रकार से क्योंकि प्रदेश के अंदर ये घटना हो रही थी तो हम लोग उन्होंने इस पर्व को उस तरीके से नहीं मना पाए थे। एक सांस्कृतिक रूप से पर्व को हम लोगों ने मनाया था और लोग जन तक यहाँ पर सीमित कर दिया था। और मैंने उसी दिन कहा था कि हमारी असली दिवाली, असली बग्वाल, असली इगास, असली हमारी गोवर्धन पूजा सभी पर्व हमारे उसी दिन होंगे जिस दिन हमारे सब मजदूर भाई सकुशल निकल कर आएंगे। आज ईश्वर की कृपा से हमारे सभी एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से, भारत सरकार के, राज्य सरकार से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष मदद और जिस प्रकार से उन्होंने पल पल की अपडेट दी, पूरे रेस्क्यू अभियान का वहाँ से संचालन किया और सबका समन्वय बनाया और बहुत कठिन काम था क्योंकि इतने सीमांत क्षेत्र में पूरे देश की, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर उपलब्ध हुई
ये तभी संभव हो पाया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इस काम के लिए अपना पूरा ध्यान लगाया। और चुनाव अभियान इस दौरान चल रहा था, 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उस विधानसभा के चुनाव में भी शायद कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस घटनाक्रम के बारे में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की हो। प्रत्येक दिन एक बार अवश्य करते थे और कई दिन ऐसा होता था, एक बार और दो बार और तीन तीन बार भी इस पूरे रेस्क्यू अभियान के बारे में और हमारे जो मजदूर अंदर हैं। तो देहरादून में सीएम आवास पर इस वक्त जश्न का माहौल है और 41 मजदूर और साथ ही उनका परिवार यहां पर मौजूद है।